आपके पास अगर एक एकड़ खेत है तो उसको पांच भाग में डिवाइड करिए, पांच भाग में पांच प्रकार की फसलें लगाइए और ऐसी फसलें लगाइए जो लगभग मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो। नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। किसान भाइयों, मुद्दे की बात में आते हैं, ना कि इधर उधर की बात में। मुद्दे की बात यह है इस वीडियो का कि मई के महीने जो एक भयंकर गर्मी का महीना होता है, भयंकर गर्मी भारत में देखी जाती है मई के महीने में, मई और जून के महीने में, इस समय आपको किस सब्जी की खेती करना है। आपको अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे लेकिन इतना डिटेल जानकारी नहीं मिलेगा जितना मैं बताने वाला हूँ। कृपया अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं कि मई के महीने में आपको कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जो कि बेहतर मुनाफा के साथ साथ आपको आपकी जो सब्जी है वह बेटर उत्पादन भी दे सके, क्योंकि गर्मियों के महीने में आप लगाने वाले हैं और ये आपकी जो सब्जी लगाने वाले हैं वह आपकी खरीफ सीजन में रुकेगी, क्योंकि आप मई में लगाएंगे तो कोई भी सब्जी हो 45 से 50 दिन से पहले उत्पादन देना आपको या फिर उत्पादन मिलना संभव नहीं है। हाँ, अगर आप साग वर्गीय सब्जियाँ लगा रहे हैं, धनिया, पालक, चौलाई, मेथी आदि, तो इनका आपको 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकता है और मूली का भी आपको हार्वेस्टिंग लगभग 35 से 40 दिन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर अन्य सब्जियाँ लगा रहे हैं उनका उत्पादन आपको जाकर के जुलाई में ही देखने को मिलेगा अगर आप मई में लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर साग वाली सब्जियों की बात करूं तो आपको धनिया की उत्पादन अगर इस समय करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा आपका मौका है कि अगर आप इस समय बचा पाएं धनिया को तो लगाएं, बहुत ही अच्छा मुनाफा में देखने को मिलेगा, अगर मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। पालक की खेती कर सकते हैं तो भी बहुत ही अच्छा आपको मार्केट में रेट मिलने वाला है अगर पालक की खेती करें। दो मैंने साग वर्गीय में लिया है, बस इससे अधिक नहीं। अब मैं बात करूँगा बेल वर्गीय में, उसमें मैं लूँगा पहले करेला और दूसरा जो है बरबटी। ये दो सब्जियों को मैं लूँगा बेल वाली फसलों में, बहुत ही महत्व दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, अगर आप मई के प्रथम महीने में लगा रहे हैं तो आपको यह जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट तक आपको फल देना चालू करेगा, अगर आप बेटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, बेटर आप देखभाल कर रहे हैं तो। उस समय आपको 50 रुपये किलो से नीचे इनका रेट देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल गारंटीड। आप इतना अनुभव कर किए होंगे, आप अगर खेती कर रहे होंगे तो उस समय क्या रेट रहता होगा। तो इस समय आप बरबटी, जिसको कई जगह काउपी लोबिया कहते हैं, तो उसका आप खेती कर सकते हैं, करेले की खेती कर सकते हैं। मचान विधि से लगाना है, मचान विधि से खेती करोगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लौकी भी लगा सकते हो, तरोई और एक नेनुआ होता है जिसको आप गिलकी भी कहते हैं, उसका भी खेती कर सकते हैं। उनका भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है बरसात के सीजन में और उस समय रेट भी देखने को मिलता है, तो उसकी आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं मई के महीने में। बेटर आपको सिंचाई का मैनेजमेंट रखना है, देखभाल करना है। इसके बाद किसान भाइयों, अब अदर चीज़ में बात करूं तो आप भिंडी का खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती में बहुत ही अच्छा शानदार प्रॉफिट देखने को कम मिलेगा जब आप मई के लास्ट तक में भिंडी लगाएं, प्रथम मई में मत लगाइए। प्रथम मई में लगाएंगे तो आपका जो भिंडी है वो थोड़ी अर्ली हार्वेस्टिंग होगी। अर्ली हार्वेस्टिंग का मतलब कि आपका जैसे जून लास्ट होगा हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी और उस समय जो पहले के किसान भाई भिंडी लगाए रहते हैं उनका भी हार्वेस्टिंग पीक पर रहता है, तो उस समय थोड़ा रेट आपको कम देखने को मिलेगा। आप मई लास्ट तक में भिंडी का सोइंग करिए, तब आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। आप जो मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, ये ककड़ी की खेत है, ककड़ी भी लगा है, पीछे करेला लगा है, उसके पीछे लौकी लगा है, उसके पीछे तरोई लगा है, इसमें खरबूजा भी लगा है, मतलब जो भी वेराइटियाँ हैं वेराइटी बना करके खेती करिए, तो आपका अगर एक फसल में मार्केट डाउन होगा तो दूसरे में आपको प्रॉफिट मिल देखने को मिलेगा। आगे मेरा खेत है उसमें बरबटी लगा है, टमाटर लगा है, तो और आगे एक खेत है लगभग 30 डिसमिल, उसमें भिंडी लगा है। तो जिस प्रकार से मैनेजमेंट बनाना है ना खेती का, आपके पास अगर एक एकड़ खेत है तो उसको पाँच भाग में डिवाइड करिए, पांच भाग में पांच प्रकार की फसलें लगाइए और ऐसी फसलें लगाइए जो लगभग मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो। किसान भाइयों, इस प्रकार से मैनेजमेंट करिए। अब भिंडी के बाद मैं बात करूं तो आप लगा सकते हैं टमाटर। टमाटर का अगर आप देखभाल कर पाएँ तो उसका आप अगर खेती करेंगे, मचान विधि से ही करना है सबको, ये याद रखें। आपको सब रस्सी लगा करके, खूटा गाड़ करके, जो तार लगा करके आपको पूरा उसको खड़ा करना है, उस प्रकार से खेती करना है। करेला, लौकी और ये अपना तरोई हो गया, बरबटी हो गया, टमाटर हो गया, इनका, क्योंकि बरसात में
सड़न देखने को मिलता है। अगर आप इनको सहारा देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उत्पादन के साथ साथ मूल्य भी आपको अच्छा मिलेगा, लाखों की कमाई करेंगे। अब मैं बात करता हूँ भिंडी के बाद एक बहुत ही बेहतरीन फसल और बहुत ही शानदार फसल, वन टाइम सोइंग और वन टाइम हार्वेस्टिंग वाली फसल मैं बता रहा हूँ, वह है मूली। मूली की खेती अगर आप कर रहे हैं ना तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन आपको मूली का देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि गर्मी है, बहुत ही अच्छा इसका जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, अर्ली ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, पानी का मैनेजमेंट इसको में बनाए रखना है, और गर्मी है तो कीटनाशक जो भूमि जनित कीट है उनका भी आपको अच्छे से देखभाल करना है, मतलब कि उनका भी आपको नियंत्रण करके रखना है, तभी आपको देखने को मिलेगा यह उत्पादन। और उत्पादन के साथ इतना बेटर प्राइस मिलता है, मूली वजनदार होता है। और अगर मैं फूल गोभी की बात करूँ तो यहाँ 80 से 90 रुपये किलो चल रहा है थोक रेट, यकीन मानिए। और फूल गोभी की खेती भी आप कर सकते हैं, और फूल गोभी एक बहुत ही अच्छा फसल अगर इस समय कर रहे हैं तो आप बरसात में जब आपका फूल गोभी निकलेगा तो आपका 50 रुपये किलो थोक रेट से नीचे आएगा ही नहीं, ये लिख के ले सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। किसान भाइयों, गोभी की, फूल गोभी की, बंद गोभी की खेती इस समय कर सकते हैं अगर आप कीटों से बचा सके तो, अगर हिम्मत है कीटों से बचाने का इस समय, क्योंकि इस समय बहुत ही अधिक फूल गोभी और बंद गोभी कीटों का अटैक होता है, अगर बचा सकते हैं तो इनको आप लगाएं। हाँ, आप समय समय पर हमें कमेंट करते रहिए, मार्गदर्शन हम देते रहेंगे कि किस कीटों का क्या प्रबंधन करना चाहिए, कौन से रोग लग रहे हैं सब्जियों में तो क्या प्रबंधन करना चाहिए, इनका भी हम वीडियो समय समय पर बनाते रहेंगे। और मैं अगर अन्य 2-3 फसलों की बात करूँ तो वह है मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च। इनकी खेती भी आप करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं, इनका भी मूल्य मार्केट में बराबर बना रहता है। एक तरह से अगर कहा जाए, मतलब एक तरह से मैं एक विश्लेषण निकालूँ ना, तो आप मई के महीने में चाहे कोई भी सब्जियां लगाएं, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने ही वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि खरीफ का जो सीज़न है, बहुत सारे किसान भाई, लगभग आधे से ज़्यादा किसान भाई धान की खेती करते हैं, जो कि एक सीजनी फसल होती है, उनकी खेती करते हैं। इस समय सब्जियाँ कम आती हैं लोकल मार्केट में, तो सब्जियाँ कम आएंगी भाई, जो घर है, जो गृहस्थी है, उसमें सब्जियों का रोल तो है ही है भाई, खाना बनेगा, सब्जी तो बनेगी, सब्जी का मांग तो वर्ष भर बराबर रहता है। तो अगर जब उत्पादन कम होगा तो रेट तो बढ़ेगा, तो उस समय उत्पादन थोड़ा कम होता है तो रेट आसमान पर होता है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर मई के महीने में कोई सभी सब्जियाँ लगाएं जो मैंने इस वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको मार्केट में मूल्य देखने को मिलेगा, आप लगाएं और बेहतर मुनाफा कमाएं, हमारी यही राय है। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, जहां तक हो सके शेयर करें। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।